Welcome back to the 10th step. So we are back again with another video and आज हम लेके आ गए अभी जो हमने recently योगी जी की योगी सर की वीडियो करी थी तो उसपे कमेंट आ रहे थे कि सर सुधांशु त्रिवेदी जी की भी वीडियो लाओ, वो भी बहुत सैवेज से हैं, उनकी एक थग लाइफ वाली वीडियो ले आओ, सैवेज मोमेंट वाली वीडियो ले आओ। तो हम आ गए हैं अनडिफीटेबल लेजेंड सुधांशु त्रिवेदी जी की वीडियो के साथ। मजा आने वाला है ये वीडियो, एंड तक देखना एंड ऐसे और अमेजिंग रिकमेंडेशंस करते रहा करो कमेंट सेक्शन में, हम देखते रहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग यू नो वीडियो आती रहती हैं। तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि जब भी कोई वीडियो तो आप मिस ना करो। लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। दुनिया में जितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है। और ना होती है। मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है, मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं, अजान में क्या कहते हैं, अशदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अशदम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है, घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है, मतलब आप अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से, सही बात बोलिए ना, बता रहा हूँ सुनिए, घूम फिर के क्यों पहुंचे। आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहेंगे मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम। और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया, कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक, हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है, हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है, कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है। बताऊं जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी हम सब ने पढ़ा है, औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना, शाहजहां, शाहजहां का बाप कौन, जहांगीर, ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन बता दीजिए, इतिहास में पढ़ा है, भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी, अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा नहीं पढ़ा है, देखो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। भाई साहब सभी ले सकते हो, व्हेन यू हैव द नॉलेज, एग्जैक्टली। एंड भाई मैं ये मानता हूँ कि हमारी ऑडियंस में यू नो देयर आर पीपल जो मुस्लिम है, हमारा एक पॉइंट रहता है, और जो मुझे इस वीडियो में भी एक चीज सही लगी कि वो उन्होंने भी बोला ना कि मेरी प्रॉब्लम उससे नहीं है कि आप अपने जैसे अपने फादर को अच्छा बोल रहे हो, मेरी प्रॉब्लम उससे है कि आप दूसरे फादर्स को नालायक बोल रहे हो, मतलब दूसरों के, अगर मतलब अगर आपका फादर अच्छा है ना तो मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कि आप अगर अपने रिलीजन की बात करते हो, जैसे मैं बोलूँ हाँ भाई मुझे मेरा रिलीजन अच्छा लगता है, या यू नो रिलीजन की बात करो स्पेसिफिकली, इरिस्पेक्टिव किसी का कोई भी रिलीजन हो, तो आप अपने रिलीजन की अच्छाई करो, सब अपने अपने रिलीजन की अच्छाई करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप बोलते हो ना कि भाई मेरा रिलीजन अच्छा है, तेरा रिलीजन बेकार है, तो वहां क्वेश्चन आता है कि हु आर यू,
कि भाई तू होता कौन है मेरे रिलीजन के बारे में बोलने वाला, तो वहां दिक्कत हो जाती है। अगर आप सब मतलब जो जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है सब एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट कर लें कि भाई तेरा रिलीजन तू फॉलो कर रहा है तेरे लिए अच्छा है, मेरा रिलीजन मैं फॉलो करूँ मेरे लिए अच्छा है, ना तू मेरे रिलीजन को बुरा बोल ना मैं तेरे रिलीजन को बुरा बोलूंगा, तो वो पीस। फेमस यार इंडिया पर वन ऑफ द मेजर हाईलाइट, जैसे अब हम बाहर जाते हैं इधर ही होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा ज्यादा लाइक हाउ मेनी कल्चर्स हाउ मेनी रिलीजन आर टुगेदर हियर, तो वही चीज हमें से होता है एक मेंटेन करके रखें कि लाइक देयर इज रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। भाई रिस्पेक्ट का तो ऐसा है ना गिव एंड टेक है, आप जितनी रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी, जहां आप थोड़ी सी उंगली करने की कोशिश करोगे तो वहां सामने वाला भी भाई अगर उसमें मतलब थोड़ी सी अगर मतलब एक होता है कि वो बोलेगा तो जरूर, लेकिन अगर उसको नॉलेज होगी, अगर कोई नॉलेज वाला बंदा होगा तो वो तो भाई फिर ऐसा शुरू होगा ऐसा फटेगा तो उसका कोई अंत नहीं है, तो वो वाली चीज होती है। बाकी बढ़िया वीडियो, सैवेज वीडियो, मजेदार वीडियो, वी एंजॉयड इट एंड ऐसी और तमाम वीडियोस। आई रियली एंजॉयड द एंडिंग पार्ट। हां एंडिंग वाज अमेजिंग, तो ऐसी और वीडियोस आते रहेंगी, स्टे ट्यून्ड एंड ऐसी और अमेजिंग रिकमेंडेशन करते रहना कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको वीडियो मस्त देखने मजा आया तो Make sure you give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram, link in the description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Bye-bye.